अच्छा मैम, क्लास लास्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट, और अब सेकंड स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो है हेमिकार्डेट्स एंड कार्डेट्स। हेमी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाफ कॉर्डेट्स नर्व कॉर्ड, ठीक है, या वर्टिब्रल कॉलम जो है उनके अंदर हाफ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डेट्स जो है जिनमें फुली जो है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, वे फुल मोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड। फुल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इनका इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव हम देखेंगे कि इनका एवोल्यूशन में इनका क्या रोल है। ठीक, अच्छा ये इसमें बताया गया है कि ज्यादातर अगर आप कोई सी शोर मतलब साई के करीब जाते हैं तो वहां पे जो है वो लो टाइड्स आती हैं, ठीक है, कम जो लहरें होती हैं, तो वहां पे आप ऐसे कोई चीज देखते हैं जैसे यू शेप में ना ऐसे लिपटी हुई, ठीक है। और अगर इसको हम जो है इनको क्या कहते हैं, क्वाइल कास्टिंग, ठीक है, इनको क्वाइल कास्टिंग कहते हैं। तो इसको अगर हम ओपन करें खोलें तो क्या हमें वहां से जो है वर्म लाइक जो है एनिमल मिलता है, ठीक है, वर्म लाइक। जिसको क्या उन्होंने नाम दिया, इकॉन वर्म्स, ठीक है। और ये किस फाइलम में आ जाता है, हेमिकार्डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि अगर जो है आप किसी भी रॉक के साथ एनिमल को क्लिंग करता हुआ देखते हैं, ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया है, जेली लाइक मैस होता है, ठीक है। अगर कोई किसी चट्टान के साथ कोई चीज चिमटी हुई है तो उसको वो क्या नाम दे रहे हैं, जेली लाइक मैसेस, ठीक है। वो जो जेली लाइक मैसेस हैं उनकी क्या होती हैं, टू ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, टू ओपनिंग्स होती हैं जो के अनअटैच होती हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हम देख रहे हैं कि जेली लाइक मैसेस हैं वो या तो मतलब अलग अलग इंडिविजुअल फॉर्म में होती हैं या फिर क्या है वो कॉलोनीज के फॉर्म में होती हैं, ठीक। जैसे कि बॉटनी में मेन दिया गया स्पेसिफिक टर्म होती है पॉपुलेशन कम्युनिटी वगैरह, लेकिन यहाँ पे वो या तो ऐसे इंडिविजुअल अलग रह रहे हैं या फिर कॉलोनीज की फॉर्म में रह रहे हैं, ठीक है। और उनको वो मतलब एवोल्यूशन से जो एविडेंस मिला है तो उनको वो क्या कह रहे हैं, स्मॉल फिल्टर फीडर्स, ठीक, जिसको
इसको वो क्या कह रहे हैं, सी स्क्वेयर्स या ट्यूनिकेट्स। ये सारा हमने किसकी डिस्क्राइब किया है, मतलब अगर आप किसी चट्टान के साथ चीज को चिमटा हुआ देखते हैं या लिपटा हुआ देखते हैं तो उसको वो क्या कह रहे हैं, जेली लाइक मैस, या फिर वो जो जेली लाइक मैस है वो क्या है, इंडिविजुअल की फॉर्म में पाया जाता है या फिर कॉलोनीज की फॉर्म में, ठीक है। और वो किस तरह के होते हैं, स्मॉल फिल्टर फिटर्स टाइप होते हैं, और जो है वो अपनी जो है मतलब उनको एक नेम स्पेसिफिक दी गया है, सी स्क्वेयर्स या ट्यूनिकेट्स। अब ये जो सी स्क्वेयर्स या ट्यूनिकेट्स है ये क्वाड्रेट्स में आ गया, ठीक है। हेमी क्वाड्रेट तो वो था जो यू शेप जो होती है क्वाई कास्टिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन थी, एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव। इसके बाद इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा गया। फाइलोजेनेटिक में क्या रह गया कि ये जो क्वाड्रेट्स या हेमी क्वाड्रेट्स हैं ये आपस में कैसे सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, ड्यू टू डिटोरोस्टोम, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या है, सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। और फिर बताया गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट क्वाड्रेट्स की और हेमी क्वाड्रेट्स की, के उनकी वजह से ये कैसे आपस में सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इनके पास क्या होता है, अच्छा एक तो ये आपस में ड्यूटेरोस्टोम की वजह से भी सिमिलर है, दूसरा ये ड्यूटेरोस्टोम आपको मैंने लास्ट फाइलम में भी पढ़ाया था इकाइनोडर्म्स, ठीक है, उसमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक थी, इस वजह से ये इनके साथ भी सिमिलैरिटी शो करते हैं, ठीक। अच्छा उनके पास एक डार्सल ट्यूबुलर नर्व पार्ट, ये किसकी बता रहे हैं, क्वाड्रेट्स की बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड उनके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है, ये इनके आगे मजीद आपको फंक्शन मैं बता दूंगी एक्सप्लेनेशन में जब अलग अलग फाइलम में आएंगे। फ्रिंजर स्लिट्स, डार्सल का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। ट्यूबलेट ट्यूब फॉर्म में नर्व कार्ट उनमें होती है ट्यूब की फॉर्म, ठीक है। फोर्थ फॉर्म है उनकी पोस्ट एनल टेल, ठीक। ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है वो मतलब ये कैसे हेमी क्वाड्रेट्स मिलते हैं, या तो उनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है हेमी क्वाड्रेट में, या फिर फ्रिंजियल स्लिट्स की वजह से ये क्वाड्रेट के साथ क्या है सिमिलैरिटी शो करते हैं। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्वाड्रेट्स क्या है हेमी क्वाड्रेट्स से सिमिलैरिटी शो करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम फाइलम पढ़ेंगे हेमी क्वाड्रेट का। Thank you.
ठीक है, हेमी हाफ क्वाड्रेंट ऑफ कॉर्ड, ठीक। और इसमें कौन सी स्पीशीज इंक्लूड आ जाती है, इकॉन वर्म्स, क्लासेस इसमें कौन कौन सी इंक्लूड है, क्लास इंटेरो टेरो न्यूस्टा, दूसरी क्लास टेरो ब्रांस्टर टेरो ब्रांकिया, ठीक है। अच्छा आगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं फाइलम हेमिकॉर्डेट्स के, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, ठीक है, जो कि डिवाइड हो रही होती है तीन पार्ट्स में, प्रोबोसिस, ठीक है, कॉलर एंड ट्रंक। अच्छा इनको हम कैसे करेंगे, मतलब डिफाइन, फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई वॉर्म टाइप है, ठीक है, तो उसके लिए जो पार्ट है फर्स्ट वन जो है इंटीरियर पे जो पाया जाता है इसको क्या कहेंगे, प्रोबोसिस, ठीक है, दिस वन इज कॉलर and the remaining is trunk, ठीक, proboscis, collar and trunk। second इसकी characteristic क्या है, ciliated, cilia लगे होते हैं pharyngeal slits पे, ठीक, सिलिएटेड फ्रिंजल स्लिट्स। थर्ड नाम क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आपने शाम तक बच्चों ये मतलब मुझे बताना है इसका डिफरेंस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज, इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस आपने मुझे बताना है ये लेक्चर सुनने के बाद, ब्रीफ सा हो, ठीक है। इनका क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नेक्स्ट इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, फिफ्थ वन है डॉर्सल सम टाइम ट्यूबुलर, नर्व कॉर्ड, ठीक है, डॉर्सल मीन ऊपर वाली सतह पे, क्योंकि ऐसे फॉर्म होती है ना, ये है वन टाइप, तो ये वाली साइड क्या होगी, डॉर्सल होगी ये वाली, ठीक, ये डिफरेंट टर्म्स आती रहती है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ये डार्सल होगी ऊपर वाली, ये जो नीचे वाली होती है इसको वेंट्रल कहते हैं, फ्रंट वाली एंटीरियर, एंड जो बिल्कुल बैक पे होती है वो कौन सी होती है, पोस्टीरियर, जी। आगे हम पढ़ रहे हैं क्लास
इंटरोपलिस्टा, ठीक है, इसके वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंटेरो जो है वो निकला है इंटेस्टाइन से, ठीक है, निस्टा जो निकला है वो है ब्रीथिंग, फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। अच्छा, और इनके साइज के बारे में बताया गया है, एक तो ये क्या है मैरीन, सबसे पहले मैंने आपको फाइलम की कैटेगरी में बताया था कि ये मैरीन होते हैं, तो इसमें भी ये क्या है मैरीन वर्म्स है। देन इसका जो साइज है वो कहां से शुरू होता है, 10 से 40 सेंटीमीटर तक ये रेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इनका जो है वो लंबाई के बारे में, लेंथ के बारे में बताया गया, वो क्या है 2 मीटर है। और जो जूलॉजिस्ट ने इनकी स्पीशीज के बारे में बताया वो है 70 स्पीशीज, ठीक। और ये क्या होते हैं, यू शेप बरोस में ही रहते हैं, ठीक है, मतलब जो इनके बिल होते हैं वो यू शेप ऐसे होते हैं, ठीक है, सैंडी या मडी जो सबस्ट्रेट है। और इनको जो कॉमन नाम दिया गया है वो क्या है, इकॉन वर्म्स। और ये जो है इनको इकॉन वर्म्स किस वजह से कहा गया, क्योंकि इनकी जो प्रोबोसिस होती है वो क्या है, एक कॉनिकल प्रोजेक्शन की तरह होती है, ठीक है, उस वजह से जो है कॉनिकल प्रोजेक्शन प्रोबोसिस। इनकी जो प्रोबोसिस है या इनका जो माउथ के साथ पोर्शन है इंटीरियर साइड पे उस वो क्या है कॉनिकल टाइप का होता है, इस वजह से इनको क्या कहा गया, इकॉन वर्म्स। और वो शॉर्ट भी होती है। सेकंड क्या है, रिंग लाइक कॉलर प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर टू प्रोबोसिस, मतलब प्रोबोसिस के पीछे होता है। और लार्ज जो होता है वो ट्रंक, ठीक है, जो कि इनकी थर्ड डिवीजन है बॉडी की। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं कि इनकी जो बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, एपिडर्मिस पे एसिलिएटेड ये ग्लैंड सीरिया ये ग्लैंड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सीरिएटेड एपिडर्मस होती है, ठीक है, और क्या होते हैं उसमें ग्लैंड सेल भी पाए जाते हैं। इनका जो माउथ है वो वेंट्रली किसके साथ कनेक्टेड होता है, वेंट्रली मतलब नीचे वाले पोर्शन, वेंट्रल नीचे वाली साइड होती है, नीचे वाली, ठीक है, वेंट्रली कनेक्टेड टू प्रोबोसिस, ठीक। बिटवीन द प्रोबोसिस एंड कॉलर, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो होती है वेरिएबल नंबर ऑफ फ्रिंजल स्लेट्स पाए जाते हैं, स्लेट्स, ठीक है, जो कि वेरी करते हैं फ्यू से 100 तक, ठीक बच्चे। नेक्स्ट इनका जो बताया गया है कि
फ्रिंजल स्लिट्स होती क्या है? ठीक है, फ्रिंजियल FHARNGEL फ्रिंजियल स्लिट्स, ठीक है, ये ओपनिंग्स होती हैं openings between anterior region of digestive tract and outside body. For example, ठीक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसकी जो इंटीरियर वाली साइड है ना, फ्रंट वाली साइड, इनके दरमियान और बॉडी का जो बाहर वाला पोर्शन है ना, उसके दरमियान क्या है, फ्रिंजियल स्लिट्स पाए जाते हैं. जी बच्चे, जी आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसमें अगर कोई आपके साथ इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.